وعلى آله. باب في الشكر. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وعن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل أكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. ये शुक्र का बाब है और वाकया ये है कि आज रमज़ान का आखिरी दिन है और शुक्र का दिन कि अल्लाह तबारक ताला ने पूरा महीना अता फरमाया, रोज़ों की तौफीक दी और तरावीह की तौफीक दी और जो भी नेक कामों की तौफीक अता फरमाई, इस पर अल्लाह का कितना आदमी शुक्र करे। कितने लोग हैं जिनको महरूमी रही, कितने लोग हैं जो रोज़े से भी महरूम रहे, और कितने लोग हैं जिनको तिलावत की भी तौफीक नहीं हो सकी। ये महज अल्लाह का इनाम है कि उसने ये नेमतें दी। और हदीस में आता है कि नेक कामों की तकमील के मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे: अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिइज़्ज़तिही व जलालिही ततिम्मुस्सालिहात। अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि उसकी मदद से, उसकी इज्जत से, उसके जलाल से नेकियों को मुकम्मल कर दिया गया, नेकियां मुकम्मल हो गईं। तो ये अल्लाह के फ़ज़ल से हुई और अल्लाह का जो उसकी जो बुलंदी है और उसका जो जलाल है और उसकी जो तजल्लियात हैं, उसका एक मज़हर हुआ ये कि अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। और ये शुक्र ऐसी चीज़ है कि आदमी अगर इसका मिजाज बना ले तो हमेशा वो खुश रहता है, और अगर शुक्र का मिजाज ना हो तो हमेशा वो रंजीदा रहता है। नेमतें अल्लाह की इतनी हैं कि कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। उसका कुरान मजीद में जिक्र भी है कि वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अल्लाह की नेमतों को अगर तुम शुमार करो तो नहीं शुमार कर सकते। तो वाक़ है ये, सिर्फ आदमी अपने जिस्म को देखे, जिस्म पर गौर करे तो 360 तो जोड़ ही हैं। हदीस में आता है कि आदमी जब सुबह करता है तो हर जोड़ पर सदका वाजिब होता है। अब वो सदका कैसे अदा करे? अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, सुभान अल्लाह कहना सदका है, अल्लाहु अकबर कहना सदका है, किसी से भली बात कह देना सदका है, किसी से खंदा पेशानी से मिलना सदका है, किसी की थोड़ी सी मदद कर देना, उसका सामान उठा कर सवारी पर रख देना सदका है। और ये भी हदीस में आता है कि अगर सुबह आदमी 2 रकात पढ़ ले तो पूरे 360 सदक़ात का कफ़ारा हो जाता है। यानी गोया के 360 सदक़ात जो अलग अलग वादा करता देता, 2 रकतें नमाज की इसका बदल हो जाती। तो आदमी इसका अगर अहतमाम कर ले कि भाई आया तो मस्जिद में बैठा रहा और तुलू आफ्ताब हो गया, कुछ वक्त गुजर गया, 2 रकत पढ़ ली, 4 रकात पढ़ ली, बड़ी फजीलत इसकी है। एक तो फ़ायदा ये हुआ कि जो सदका वाजिब हुआ था गोया वो भी अदा हो गया, दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि इशराक की नमाज हो गई,
और एक और रिवायत है, इसमें आता है कि जब ना आदम इरकअली अरबा रकअतिन फी अव्वलिन नहार अक्फी का आखिर हो, ऐ इब्ने आदम शुरू दिन में तुम 4 रकतें पढ़ लो, हम पूरे दिन के लिए तुम्हारी किफायत करेंगे। ये भी फायदा हो गया अगर आदमी 4 रकत पढ़ ले, तो शुक्र से दिन शुरू किया जाए। सबसे पहले तो आदमी उठा, और जब उठा तो जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर, सोते ही रह जाते तो कौन उठाता भाई। ये नींद एक मौत का एक हिस्सा है, उसकी उसका एक अक्स, उसका एक अक्स है। आदमी सोता है, और सोता है तो बेखबर हो जाता है। बाहर तो ऐसे सोते हैं कि ढोल ताशा बजाओ तो ना उठे, तो बिल्कुल आदमी बेखबर आमतौर से हो जाता है। फिर अल्लाह का हुक्म होता है, उठ जाता है वो, और कितने वाकयात होते हैं कि सोए और सोते ही रह गए। अब जब आदमी उठा तो अल्लाह का शुक्र करे कि अल्लाह ने हमें जिंदा सलामत उठाया और सेहत के साथ उठाया। खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाती, रात ही में अटैक हो जाता, होता है, वाकयात बहुत होते हैं। तो आदमी जब उठे तो शुक्र के साथ उठे, अल्लाह की हम्द सना बयान करते हुए उठे वो, और फिर अल्लाह उसको तौफीक दे, वजू करे, तहारत हासिल करे, नमाज पढ़े। अब ये सारी चीज़ें भी शुक्र में शामिल है, यानी गोया कि अल्लाह तबारक ताला ने जो इनामात किए हैं वो, उन इनामात का तकाजा क्या है। उन इनामात का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि आदमी अल्लाह की बंदगी करे, और जो अल्लाह ने जिस्म हमको दिया, आज़ा हमको दिए, एनर्जी उसके अंदर अल्लाह ने रखी, ताकत रखी, अब उनका बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल किया जाए जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला चाहता है, ये आला दर्जे का शुक्र है। देखिए, शुक्र सिर्फ जबान से नहीं होता, शुक्र जो होता है जबान से होता है, और अमल से होता है, और सबसे बढ़कर दिल से होता है। अफादतकुमुन नामा व मिन्नी सलासतुन, यदी व लिसानी व ज़मीर अल मुहज्जबा। ये तीन बातें शायर ने कही हैं। यदी व लिसानी यानी शुक्र जो होता है हाथ से भी होता है, और शुक्र जबान से भी होता है, और शुक्र सबसे बढ़कर अंदरून से होता है, रोए रोए से शुक्र निकलता है दिल से। बाद मरतबा ऐसी बात हो जाती है कि दिल अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, दिल अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, मज़ा आ जाता है। देखिए, आप सब गर्मियों में ठंडा पानी पीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह बेसाख्ता निकलता है। बड़ी प्यास लगी है, आपने ठंडा पानी पिया और शरबत पिया आला किस्म का, अब जैसे ही वो हटाया आपने मुंह से, तो बेसाख्ता का ज़रा भी ईमान है तो बेसाख्ता अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है। तो अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, आदमी कितना शुक्र अदा करे, हर वक्त शुक्र करे। ये शुक्र आदमी के अंदर खुशी के जज्बात पैदा करता है, आदमी के अंदर फरहत पैदा करता है। और आदमी अगर किसी चीज़ पर शुक्र अदा ना करे तो हमेशा वो रंजीदा रहता है, और उसका मिजाज बिगड़ जाता है, फिर वो मखलूक के साथ भी अच्छा मामला नहीं करता। और अगर शुक्र के जज्बात होते हैं तो अखलाक के अंदर भी बुलंदी पैदा होती है। आदमी हर बात पर शुक्र अदा करता है, वो अल्लाह का भी एहसान मंद होता है सबसे बढ़कर, के उसकी नेमतें तो बेशुमार, और उसके साथ साथ अल्लाह के बंदों का भी शुक्रिया अदा करता है। बात बात पर वह एहसान मंद होता है, ज़रा सा किसी ने कोई काम कर दिया उस पर वो शुक्रिया अदा करता है, आपका भाई शुक्रिया, अल्लाह आपको जजाए खैर अता फरमाए। और रिवायतों में आगे आया भी है, यहाँ तक आया कि हजरात महाजरीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात फरमाई कि अंसार तो सारा अजर ले गए, इस कदर उन्होंने एहसान किया और इस कदर उन्होंने सलूक किया कि ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। हमारी तमाम ज़रूरतों को उन्होंने अपने सर ले लिया और हर चीज़ का तकफ़ुल किया। तो आपने फरमाया, क्या तुम उनकी तारीफ नहीं करते, क्या तुम उनके लिए दुआ नहीं करते। तो महाजीन ने कहा, अल्लाह के रसूल क्यों नहीं। आपने फरमाया, फजा कभी दाद, अगर तुम ऐसा करते हो तो ये अल्लाह का फजल है, तुमने गोया कि उनका एहसान जो था उसका कोई बदला दिया, इसके बदले तुमने जो दुआ की ये दुआ कम नहीं है। लेकिन आदमी की जबान नहीं खुलती, बाद मरतबा बड़े से बड़ा सलूक करने वाला सलूक करता है लेकिन उसकी जबान नहीं खुलती। तो कम से कम दर्जा ये है कि आदमी शुक्रिया अदा करे, उसके लिए दुआ करे। ये दुआ करना और तारीफ करना ये भी शुक्रिया की बहुत आला किस्म है।
आदमी डकार ही नहीं लेता, हजम कर जाता है सब। कितना ही कोई एहसान करे कहीं तذکرہ भी नहीं करता। हालांकि इसे मालूम होता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा एहसान कर रहा है तो उसका कभी तذکرہ भी करना चाहिए, भाई फलां तो बहुत सलूक करते हैं, फलां तो ऐसा करते हैं। तो ये भी शुक्रिया की एक किस्म है। और फिर उसके लिए दुआ करना, आदमी जितना भी उसके लिए दुआ करेगा उतना ही ज्यादा गोया कि उसका एक बदल है जो वो दे रहा। और बाकी ये कि हदीसों में आता है कि तुम्हें कोई हदिया दे तुम उसको हदिया दो, कोई तुम्हारे साथ सलूक करे तुम उसके साथ सलूक करो, ये भी शुक्र की किस्म है। जो कर सकता है आदमी, और जो नहीं कर सकता तो दुआ कर दे, ये भी उसकी किस्म है। और फिर जो सलूक करने वाला है वो सलूक करने वाला अगर खुदा न खास्ता इस उम्मीद में सलूक कर रहा है कि हमारे साथ भी सलूक हो, इस उम्मीद में हदिया दे रहा है कि हमको हदिया दिया जाए, तब तो ये बहुत खतरनाक बात, ये खतरनाक बात है। फिर तो उसने गोया के सब गुड़ गोबर कर दिया। अल्लाह के यहाँ जो अजर मिलता है वो दुनिया के चक्कर में पड़ गया, अब क्या अजर मिलेगा उसको? अल्लाह के अजर नहीं मिलेगा। अजर जब उसने दुनिया में चाहा तो दुनिया में मिलेगा तो मिलेगा, दुनिया का तो अजर मुतहक्कक होता ही नहीं। मिला मिला, ना मिला ना मिला, देने वाले ने दिया नहीं, नहीं देना था नहीं दिया, वो तो उसका अपना अपना अमल, उसकी अपनी मर्जी। तो तुमने तो जो असल अजर अल्लाह के यहाँ मुतय्यन था वो अजर बेकार कर लिया। क्यों बेकार कर लिया? अपनी नीयत के अंदर फितूर पैदा करके, हदिया देकर उम्मीद लगाए बैठे हो हदिया मिले, नेकी करके उम्मीद लगाए बैठे हो तुम्हारे साथ नेकी की जाए, ये अगर खुदा न खास्ता मिजाज है तो ये तो इंतहाई खतरनाक मिजाज है। इसके बाद तो कुछ मिलता ही नहीं। कुरान मजीद में तारीफ की गई उन लोगों की कि जो लोगों के साथ सलूक करते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि ला नुरीद मिनकुम जजा वला शुकूरा, हमें कोई बदला नहीं चाहिए, हमें कोई एहसान मंदी नहीं चाहिए कि आप शुक्रिया अदा करें हमारा, हमने तो अल्लाह के लिए दे दिया। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तो अल्लाह के लिए खिलाते पिलाते हैं, हम तो अल्लाह के लिए देते हैं। और ये कहने की भी जरूरत नहीं है, खास दिल में आदमी सोच रहा है हम अल्लाह के लिए दे रहे हैं, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ ये कह सकता है इसके एक बार मरतबा कुछ करने के बाद वो सोचता भाई हम क्या करें, और वो बेचारा इसके लायक भी नहीं होता कुछ कर सके, तो उससे कह दिया जाएगा भाई आपको हमने अल्लाह के लिए कर दिया, अब आप बिल्कुल परेशान ना हो कि आप तो हमारे लिए दुआ कर दें, ज्यादा है आप दुआ कर दें, आप दुआ कर देंगे बंदा हो जाएगा। यहाँ हदीम साफ साफ कह दिया गया, क्या तुम दुआ नहीं करते उनके लिए, क्या तुम उनकी तारीफ नहीं करते, ये हो गया, हम तो तारीफ भी नहीं चाहते। तो एक तरफ तो देने वाला अल्लाह के लिए दे, सलूक करने वाला अल्लाह के लिए सलूक करे, दूसरी तरफ इसके साथ सलूक किया जा रहा उस पर क्या जिम्मेदारी है? वो एक अलग जिम्मेदारी है कि वो शुक्रिया अदा करे, वो उसकी तारीफ करे, वो उसके लिए दुआ करे, ये उसकी जिम्मेदारी। लेकिन देने वाला अगर उम्मीद लगा के बैठा है तो इसके लिए इंतहाई खतरनाक चीज। तो अल्लाह तबारक व तआला का बहुत शुक्र करना चाहिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी कैसी नियामतें दी, और अल्लाह शुक्र पर नियामतों में इजाफा करता है। यहाँ कुरान मजीद की जो आयत है वला इन शकर तुम लाजीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम एहसान मानोगे तो हम इजाफा करेंगे नियामतों में। अब ये एहसान मानना जैसे बात कही गई कि जबान से भी है और अमल से भी है और दिल से भी है। अमल से इस तरह है, अल्लाह ने आंखें दी हैं तो आंखों का सही इस्तेमाल होना चाहिए, अल्लाह ने कान दिए हैं तो कानों का सही इस्तेमाल होना चाहिए, अल्लाह ने दिमाग दिया है तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हाथ और पांव दिए हैं तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। जो सारे अल्लाह की तरफ से आगा दिए गए जो बड़ी नेमतें, एक चीज अल्लाह ले ले कैसा परेशान होता है आदमी। कोई खुदा ना खास्ता हाथ मफलूज हो जाए, किसी की आंख खराब हो जाए, कोई बहरा हो जाए, या कोई भी अल्लाह ने जो आगा दिए हैं और उस पर ताकतें रखी हैं, किसी की ताकत अल्लाह सल्ब कर ले तो आदमी कैसा परेशान होता है। तो उस पर कितना शुक्र करना चाहिए, हर सुबह को आदमी शुक्र करे, उठते ही शुक्र करे कि अल्लाह तूने सही सलामत उठाया, कैसी नेमतें अल्लाह ने दी। लेकिन इसी के साथ जबान से शुक्र अदा करने के साथ साथ उन तमाम ताकतों का सही इस्तेमाल भी होना चाहिए, ये भी शुक्र का तकाजा है। अगर गलत इस्तेमाल है तो ना शुक्रिया, गलत चीज़ देख रहा है आँख की ना शुक्रिया, गलत चीज़ सुन रहा है आँख की ना शुक्रिया, कदम गलत चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये पाँव की ना शुक्रिया, हाथ अगर गलत चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये हाथ की जो नेमत अल्लाह ने दी उसकी नाशुक्री। हमारे ऊपर ये भी जिम्मेदारी है जबान के शुक्र के साथ और दिल के अंदर के जज्बात के साथ, जो जज्बात शुक्र के पैदा होते हैं, कि अपने आज़ा का हम सही इस्तेमाल करें।
अगर अपने आज़ा का हमने सही इस्तेमाल नहीं किया तो ये नाशुक्री है कि अल्लाह कहता है हमने तुम्हें आँख दी थी इसीलिए कि तुम गलत चीज़ों की तरफ निगाह डालो, तुम बदनिगाही करो। अल्लाह ने तो आँखें रोशनी के लिए दी हैं, अल्लाह ने तो आँखें रोशनी के लिए दी हैं, जुल्मत के लिए नहीं दी। और गलत निगाह डालना एक जुल्मत है और सही चीज़ को देखना एक रोशनी है। तो ये आँखों की नेमत अल्लाह ने दी है, इस नेमत की भी बार बार कद्र करनी चाहिए कि अल्लाह ने कैसी नेमत दी है, हम उसका सही इस्तेमाल करें, हम गलत इस्तेमाल न करें। जहाँ गलत निगाह उठे एक पता सोचे आदमी, ये आँख हमारी है, ये आँख हमारी है, अल्लाह ने हमें ना दी होती तो क्या हमें मिलती आँख, ये तो अल्लाह की है। हमारी हकीकत ये है कि सारी ताकतें अल्लाह की, हम खुद अपने नहीं, हम भी अल्लाह के हैं, हमारा कमाया हुआ माल अल्लाह का है, इसलिए सारी चीज़ें अल्लाह ने दी। अगर अल्लाह ना देता हमें क्या मिलता, ये वाकया है। कमाने वाले जो कमाते हैं, अल्लाह ने वो सलाहियत ना दी होती क्या कमा पाते, और फिर सलाहियत के बावजूद अल्लाह का फजल ना होता तो क्या कुछ मिलता उनको, तब अल्लाह के देने से मिलता। ये सारी जो हमारी ताकतें अल्लाह ने हमें जिस्म के अंदर दी हैं, सब अल्लाह की दी हुई। आदमी कहाँ तक गौर करेगा, आदमी अगर गौर करे तो सच्ची बात यह है कि वो अल्लाह की ज़ात तक पहुँच जाए, अल्लाह की कुदरत का उसको ध्यान पैदा हो जाए। लिखने वालों ने लिखा है कि आदमी ताबीर करता है कि हमारा जिस्म जो निज़ाम जिस्म का चल रहा है, हम खाना खाते हैं वो खाना मैदे में जाता है और उसके बाद वो आगे बढ़ता है, और जो खाने के सालेह अज्जा हैं मुफीद अज्जा हैं वो जिस्म में दाखिल होते हैं, उसका कुछ खून बनता है, और दूसरी ताकतें अल्लाह ने रखी हैं वो चीज़ें अल्लाह पैदा कर देता है उन हमारी खाई हुई चीज़ों से, और कुछ फुजला बन जाता है। ये पूरा जो निज़ाम चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है, एक चीज़ के बाद आदमी दूसरी चीज़ को लेता है, दूसरी चीज़ के बाद तीसरी चीज़ को लेता है, और तीसरी चीज़ के बाद चौथी चीज़ को लेता है, फला चीज़ की वजह से ऐसा हुआ, फला चीज़ की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन आखिर में फिर क्या कहता है, आखिर में आकर मजबूर होकर उसको कहना पड़ता है कि ये तो समझ में नहीं आता कि ये हरकत कहाँ से पैदा हुई, ये तो अल्लाह तबारक ताला ही की तरफ से, कोई है पैदा करने वाला जो पैदा करता है और जो हरकत देता है, और सारे निज़ाम वही चला रहा है, अगर वो ना चलाता तो हमारा पूरा निज़ाम जिस्म का फेल हो जाता पूरे। आप देखिए अल्लाह ने बात फरमाई कि उनको चाहिए कि गौर करें कि वो क्या नहीं देखते, अपने आप को नहीं देखते, फ़ी अनफुसिहिम फिल आफाक़ व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, क्या वो गौर नहीं करते अपने बारे में, और क्या वो गौर नहीं करते कायनात के बारे में। दो चीज़ों का ख़ास अल्लाह ने जिक्र किया, एक अल्लाह फरमाता है अपने जिस्म को देखो, ये जो तुम्हारा जिस्म कैसे चल रहा है, इसका निज़ाम कैसे चल रहा है। वाकया ये है कि जो डॉक्टर्स हैं ज़रा भी अगर गौर करते सबसे बढ़कर अल्लाह उनको ईमान की तौफीक देता, लेकिन आदमी गौर नहीं करता उस पर। हाँ, अल्लाह जिसको तौफीक देता है तो गौर करता है, अल्लाह उसको ईमान भी देता है। पैदाइश का जो निज़ाम अल्लाह ने जिस्म के अंदर रखा है, ऐसी बारीकियाँ कुरान मजीद आज से 1400-1450 साल पहले बयान करता है, इसका तस्वुर भी नहीं हो सकता था उस वक्त। ये ज़ुलुमात सलास का तीन पर्दों में अल्लाह ने वो जो बच्चा पैदा होता है उसको अल्लाह ने तीन पर्दों के अंदर रखा, वो कौन से तीन पर्दे हैं, आज वो सारे हकायक हमारे सामने साइंसी एतबार से आ रहे हैं। और फिर जो पैदाइश के मराहिल हैं अल्लाह ने जो बयान किए कुरान मजीद में, आज से 1400-1500 साल का अल्ट्रासाउंड था उस वक्त, कौन सी उस वक्त सोनोग्राफी थी और कौन सी मशीनें थी जिससे आदमी अंदर झांक के देख लेता, ये अल्लाह की कुदरत थी। अल्लाह ने अपने बंदे को बताया और अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही उतारी, ऐसे ऐसे हकायक अल्लाह ने उसमें रखे हैं कि कुरान मजीद को आदमी अगर पढ़े और खुले हुए दिल से पढ़े और वो कुछ साइंस को भी जानता हो, सच्ची बात यह है कि उसके दिल के अंदर यकीन पैदा हो जाएगा कि ये अल्लाह का कलाम, ये किसी बंदे का कलाम नहीं हो सकता। 1400 साल पहले कौन सी तरक्की थी, कौन सा इल्म था, कौन सी साइंस थी, कुछ नहीं था। लेकिन कुरान मजीद अगर आप पढ़िए, इस पर बड़ी किताबें लिखी गई हैं, एक मौजू है मुस्तकिल ये कि कुरान मजीद में जो साइंसी हकायक बयान किए गए हैं वो ऐसे हकायक हैं और ऐसी बारीकियाँ हैं कि आदमी की अकलें दंग रह जाएं कि कैसे कुरान मजीद उस वक्त इन चीज़ों को बयान किया। ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, इन अल्लाह की निशानियों पर आदमी गौर करे, ये अल्लाह के वो एहसानात हैं, अल्लाह ने अपने बंदों पर जो एहसानात किए हैं, आदमी गौर करे तो बेसाख्ता उसकी जबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकले। अब उसके बाद आदमी अपने जिस्म पर गौर कर ले कि तो अल्लाह ने पूरा निज़ाम रखा, यानी रगें ऐसी अल्लाह ने बारीक बनाई हैं और इतनी रगों का जाल जिस्म के अंदर बिछाया है कि लोग, हम तो बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं, किसने किसी का बताया कि अगर वो रगें फैला दी जाएं और एक रग से दूसरी रग जोड़ कर फैलाई जाए, इतने 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की रगें हो, जो पूरा एक
छोटे से ढांचे में अल्लाह ने उसका एक जाल बना दिया है और उससे इंसान जिंदा है, उसमें खून की गर्दिश है, उसमें वो सारी इंसानी जिंदगी की जरूरियात जो हैं वो सब अपना काम कर रही हैं। ये ऐसी अल्लाह की नेमतें हैं, वाकया है कि आदमी बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करे। कैसा उसने दिल दिया, उसके अंदर कैसी अल्लाह ने मोहब्बत रखी, मोहब्बत ना होती तो आदमी जानवर हो जाता। माँ को अपने बेटे से क्या मोहब्बत होती है, बाप को बेटे से मोहब्बत होती है, और रिश्तेदारों को रिश्तेदारों से मोहब्बत होती है, बल्कि एक इंसान को दूसरे इंसान से मोहब्बत होती है। अगर ये मोहब्बत ना होती दुनिया का निज़ाम करप्ट हो जाता, फेल हो जाता, कुछ ना चलता। लेकिन अल्लाह ने हर चीज़ हमें दी जो हमारी ज़रूरत की थी, उस पर फिर आदमी अल्लाह का शुक्र अदा ना करे। तो ये ऐसी शुक्र की अल्लाह ने शक्लें रख दी हैं कि आदमी बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करे। और फिर जो अल्लाह ने ईमान हमें अता फरमाया, ईमान के तकाजों का कुछ थोड़ा बहुत फहम अता फरमाया, उस पर अमल करने का अल्लाह ने कुछ ना कुछ जज्बा अता फरमाया, और फिर रमज़ान का ये पूरा महीना अता फरमाया, और अल्लाह ने इसमें तौफीक हमें अता फरमाई, इतनी बार आदमी का सर झुके अल्लाह की बारगाह में और बार बार सोचे, और जितना वो सोचेगा अल्लाह उसके कल्ब में एक फरहत पैदा फरमा दे। आप गौर करके और तजुर्बा करके देखिए, बार बार सोचिए कि अल्लाह ने कितना दिया। देखिए बड़ी नज़ाकत इसमें होती है, एक तरफ तो हमें सोचना चाहिए और हक है सोचने का कि हमने तो बड़ी कोताही है, क्या शुभा है इसमें, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी कोताही में। एक तरफ हमें इसका एहसास होना चाहिए और उसकी नदामत भी होनी चाहिए कि जो फ़ायदा उठाना चाहिए रमज़ान का हम फायदा नहीं उठा सके, लेकिन उसके साथ साथ हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो अल्लाह ने हमें तौफीक दे दी क्या वो कम थी। अगर वो भी तौफीक अल्लाह ना देता तो हम क्या कर लेते, खुदा नखास्ता हम रोज़े से महरूम कर दिए जाते, नमाज से महरूम कर दिए जाते, तिलावत से महरूम कर दिए जाते, कौन था जो हमें लाता है इस रास्ते पर। अल्लाह की तौफीक अगर ना होती, उसका फजल ना होता तो हम यहाँ बैठे ना होते। इस पर अल्लाह का कितना आदमी शुक्र करे, और शुक्र करते करते उसकी जबान थक जाए लेकिन वो शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों का आदमी सोचे, एहतदाल भी हो कि ये नहीं कि शुक्र करते वक्त ये ख्याल पैदा हो जाए कि हमने तो बहुत कर लिया, और एक तअल्ली उसके नतीजे में पैदा हो जाए, बड़ाई का एहसास पैदा हो जाए, तो ये तो खतरनाक बात, ये खतरनाक बात। तो शुक्र का तकाजा क्या है? शुक्र का तकाजा तो ये है कि अब्दियत पैदा हो। शुक्र का तकाजा इसलिए है अब्दियत का कि आदमी शुक्र क्यों करता है, इसलिए शुक्र अदा करता है कि अल्लाह तौफीक तेरी दी हुई, तौफीक तेरी तरफ से मिली, जो हमने किया, छोटा किया, बड़ा किया, जो अमल किया वो तेरी तौफीक से हुआ, अगर तेरी तौफीक ना होती तो कुछ ना कर पाते। ये अब्दियत शुक्र से पैदा होती। अब खुदा ना खास कोई जहन की चीज़ दूसरी तरफ चला जाए तो ये खतरनाक बात। तो ये पूरा एतदाल भी कायम रहे और बात बात का आदमी शुक्र अल्लाह का अदा करता रहे। पहली आयत में अल्लाह फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, तुम हमें याद रखो हम तुम्हें याद रखेंगे। तुम हमें याद, अल्लाह फरमाता है तुम हमें याद करो, याद रखो हम तुम्हें याद रखेंगे। और हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तस्करा फरमाया कि अल्लाह का ध्यान रखो, अल्लाह को अपने सामने पाओगे, और वह तो तमाम ज़रूरतों को पूरा करने वाला। अपने लिए गढ़ा तो हम खुद ही खोदते हैं ना, अपने लिए गढ़ा हम खुद ही खोदते हैं और फिर बैठ कर रोते हैं कि ऐसा हुआ और ऐसा हुआ। अगर हम अल्लाह का ध्यान रखें, अगर अपनी ज़िंदगी को सही रुख पर हम लाने की कोशिश करें और एक मिजाज और माहौल ऐसा बनाएं जहां अल्लाह की अब्दियत हो, अल्लाह की बंदगी हो, तो उसका नतीजा क्या होगा, हालात तो खुद ब खुद बदल जाएंगे। ये सारा किया धरा तो हमारा है। और कुरान मजीद में बार बार ये बात कही गई है कि जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे हाथों की लाई हुई होती। अल्लाह का ध्यान पैदा हो जाए ज़िंदगी में तो आदमी की ज़िंदगी का रुख बदल जाता है, अल्लाह की मदद होती है। अल्लाह याद रखेगा तो क्या होगा, फिर उसके बाद कोई मुसीबत आएगी, अल्लाह फिर जो देगा उसमें हमारे लिए खैर, हमें अल्लाह की तरफ से जो मिलेगा वो हमारे लिए उसमें इंशाअल्लाह खैर। वश्कुरूनी वला तकफुरून, देखो अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरा शुक्र एहसान मानो, हमेशा मेरा एहसान मानो और शुक्र करो, और कभी नाशुक्री मत करना, कभी नाशुक्री मत करना। नाशुक्री करोगे तो क्या होगा, लेकिन शकर तुम लाजीदन्नकुम वलैन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर एहसान मानोगे तो हम नेमत में इजाफा करेंगे, और नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। यही जो नेमत अल्लाह ने दी है, नाशुक्री के नतीजे में यही नेमत अल्लाह छीन लेता, अल्लाह नाशुक्री के नतीजे में नेमत छीन लेता। तो इस पर अल्लाह के जितना भी आदमी शुक्र करे और उस शुक्र के नतीजे में अल्लाह की तरफ से इनामत होते जाएँ तो आदमी आगे बढ़ता चला जाता है। उसके बाद जो पहली हदीस है, ये वही हदीस है जिससे पहले आ चुकी कि ईमान वाले की ज़िंदगी दो चीज़ों के बीच में चलती है, या शुक्र है या सब्र है।
अगर नेमतें हैं तो शुक्र है, और अगर कभी कोई मुसीबत आ जाती है तो उस पर अल्लाह उसको सब्र की तौफीक दे देता है। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आदमी अख्तियार करे तो उसके हक़ में खैर, तो गोया मोमिन के हक़ में खैर ही खैर, शुक्र करता है तो खैर है और सब्र करता है तो खैर है। गोया कि दो शहपर हैं जिससे उसकी ज़िंदगी चल रही है, वो आसमानों में उड़ रहा है, फिजा में उड़ रहा है, और अल्लाह उसको आगे बढ़ा रहा है, उसको तरक्की दे रहा है। लेकिन ये जब है कि ये दोनों सिफात उसके अंदर पाई जाएँ, कभी कोई मुसीबत आ गई अल्लाह की तरफ से है, उस पर सब्र किया जाए और अजर की उम्मीद रखी जाए, सब्र पर अजर की उम्मीद रखी जाए। देखिए सब्र का करना उस वक्त आसान हो जाता है जब आदमी अजर की उम्मीद रखे। मैंने बारहा ही बात कही, इंसानी मिजाज है, कुछ मिलता है तो उसके लिए मशक्कत का उठाना आसान, और अगर वो देखता है कुछ नहीं मिल रहा है वो मशक्कत नहीं उठा सकता, फिर वो आदमी पीछे हट जाएगा, भाई क्या फायदा, वहां जाने से क्या फायदा, फला काम करने से क्या फायदा, फला तकलीफ उठाने से क्या फायदा, क्या मिलेगा। लेकिन जहां ये ख्याल पैदा होता है कुछ मिलेगा, तो आदमी अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाता है, मिलने की उम्मीद पर जान देने के लिए तैयार हो जाता है। तो सब्र का इख्तियार करना उस वक्त आसान होता है कि सब्र के वक्त आदमी अजर की उम्मीद रखे, सोचे कि नहीं अल्लाह की तरफ से एक मुसीबत है, ठीक है हम सब्र करेंगे, अल्लाह इस पर हमें अजर देगा। अब जब अजर की उम्मीद होगी तो सब्र का करना उसके लिए आसान हो जाए। और शुक्र आदमी जो करता है उस पर नेमतों में इजाफा होता है। यहाँ तो अल्लाह का जी मामला है तो भर भर कर देता है, भर भर कर देता है, अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं, दुनिया में भी देता है और आखिरत में इतना देगा, इतना देगा कि आदमी यहाँ तसव्वुर बैठ के कर ही नहीं सकता, वहाँ की नेमतों की कोई हद व नहायत नहीं। अब ये सारी चीज़ें अगर आदमी के जहन दिमाग में बैठ रही हैं और उसके साथ ज़िंदगी गुजर रही है और उसके बनोमों से शुक्र अदा हो रहा है, बार बार वो सोचता है अल्लाह ने कैसी नेमतें दी हैं, हम चलते हैं फिरते हैं। और हदीस में जो आया है कि देखो दुनिया में अपने से कम को देखो, कम को देखोगे तो शुक्र के जज्बात पैदा होंगे, और अगर अपने से ऊपर वाले को देखोगे तो ना शुक्री करोगे। हमारे पास एक गाड़ी, फुलां के पास दो गाड़ी, अरे कम है अभी कुछ नहीं, अभी तो करना पड़ेगा, ये कौन सी बात हुई। आदमी ये नहीं सोचता कि फुलां के पास तो गाड़ी नहीं है, हमारे पास गाड़ी है, फुलां के पास गाड़ी नहीं है। एक बुजुर्ग का किस्सा है, अल्लाह के नेक बंदे, उनकी एक टांग कटी हुई है, हरम से निकल रहे हैं, सामने देखा एक शख्स है इसकी दोनों टांगें कटी हुई, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तूने हमें एक टांग तो दी, मैं बैसाखी से चल रहा हूँ, ये बेचारा दोनों टांगे इसकी नहीं। ये है असल कि आदमी उसको देखे जो उससे कमतर है और फिर अल्लाह का हजार बार शुक्र अदा करे। एक वक्त की रोटी मिल रही है, दो वक्त की नहीं मिल रही है, आदमी उस पर किस कदर परेशान होता है, और कभी कभी सख्त कलिमा जबान से निकल जाते हैं, कुफरिया कलिमा जबान से निकल जाते हैं। कादल फ़क्र यकूना कुफरा, हदीस में कहा गया कि फ़क्र आदमी कभी कभी फ़क्र आदमी को कुफर तक पहुंचा देता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर एक वक्त की रोटी मिल रही है, आदमी सोचे कितने अल्लाह के बंदे हैं जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही, दो वक्त की रोटी भी उनको नहीं मिल रही, हमें तो एक वक्त की मिल रही, उनको दोनों वक्त की नहीं मिल रही, उस पर आदमी शुक्र अदा करे। हासिल ये है कि आदमी अपने से कमतर को देखे तो करें उसके शुक्र के जज्बात उसके अंदर पैदा होंगे, और ऊपर देखेगा दुनिया में कि हिर्स पैदा करेगा, तो हिर्स तो ऐसी चीज़ है कि आदमी फिर सबसे बढ़कर गरीब और तवंगर हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, आखिरी दर्जे में परेशान रहेगा, हमेशा उसके दिमाग में ये रहेगा अब इतना और हो जाए, अब इतना और हो जाए, इतना और हो जाए, और कभी भी उसके उसका पेट भरेगा नहीं, कभी भी उसका पेट नहीं भरेगा। और हदीस में आता भी है कि एक बाजी मिल जाए, दो चाहेगा, दो मिल जाए, तीन चाहेगा, तुराब, उसका मुंह तो मट्टी से भरेगा, इन्हें कब्र में जाएगा तभी इसको चैन आएगा, उससे पहले तो आएगा। लेकिन अगर उसको अपने कमतर को देखेगा तो उससे जबान से शुक्र अदा होगा और उसको इत्मीनान और सुकून की जिंदगी नसीब होगी। ऐसे लोग हमेशा सुकून से रहते हैं जो अपने से कमतर को देखते हैं, और जो आगे वालों को देखते हैं कभी सुकून से नहीं रहते। हाँ, यह हदीस में कहा गया दीन के मसले में उसको देखो जो तुमसे आगे, दीन के मसले में उसको देखो जो तुमसे आगे है। वसारिउ इला मग़फिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़, दौड़ो उस जन्नत की तरफ, किसी चौड़ाई जमीन और आसमान की, अल्लाह की मग़फिरत की तरफ दौड़ो। साबिकु इलल खैरात, भलाइयों की तरफ मुकाबला करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो मुकाबला कैसे होगा, आगे वाले को देखो कहाँ जा रहा है, तुम कहाँ किस हड्डी बने बैठे हो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। एक अल्लाह का नेक बंदा, नमाजों का एहतमाम करने वाला, खैरात करने वाला, लोगों के साथ भलाइयाँ करने वाला, अपने अखलाक के अंदर बुलंदी पैदा करने वाला, अपनी नीयतों को दुरुस्त करने वाला, वो कैसी तेजी के साथ आगे जा रहा है। अल्लाह उसको क़यामुल लैल की भी तौफीक दे रहा है,
अल्लाह उसको नवाफिल की भी तौफीक दे रहा है, उसके साथ अखलाक की आखिरी दर्जे की बुलंदी अल्लाह उसको दे रहा है, हम भी उसके पीछे दौड़ने की कोशिश करें। तो हमें दुनिया के सिलसिले में उसको देखना है जो कमतर हो, और आखिरत के सिलसिले में उसको देखना है जो ऊपर, ताकि हम ऊपर जाएं और यहाँ इत्मीनान और सुकून की जिंदगी हमको मिल जाए कि अल्लाह ने जो दिया अल्लाह का करम। और हमें क्या चाहिए, अल्लाह के बंदों का हाल आप देखिए, कैसे सुकून की उनकी जिंदगी, और दुनिया से कैसी उनको बेरगबती होती थी कि जो मिल गया उसका लगता था हित्ते अकलीम के बादशाह उनको सब कुछ मिल गया। और हदीस में इसका जिक्र भी है, यहाँ तक फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर किसी को एक रोटी का टुकड़ा मिल गया और तन ढांपने के लिए कपड़ा मिल गया और सर ढांपने के लिए एक छत मिल गई, तो अन्नमा जुमियात लहु दुनिया भी हजाफीरिहा, गोया कि उसको सारी दुनिया मिल गई, गोया कि उसको सारी दुनिया मिल गई। और क्या चाहिए, दुनिया नामी हिस्स करता है, कितना खाता है, कितना पहनता है और कितनी जगह पर रहता है, लेकिन हिस्स ऐसी है कि सोचता है सारी दुनिया मिल जाए, और ये हिस्स उसको कहीं का नहीं छोड़ती, ऐसी बेचैनी पैदा करती है कि उसकी कभी भी उसके उसके अंदर की तमन्नाएं खत्म नहीं होती। हदीस में इसीलिए आता भी है कि मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, चौकटा बनाया और फिर जगह जगह आपने लकीरें खींची और फरमाया कि आदमी चलता है और तमन्नाओं का हाल ये है कि तमन्नाएं खत्म ही नहीं होती, यहाँ तक कि उसकी मौत आ जाती है लेकिन उसकी तमन्नाएं खत्म नहीं। तो इसलिए इसमें देखे उसको जो कानिया है, जाहिद है, उसकी जिंदगी में किसी हद तक कनाआत है, उसको देखे तो उसको सुकून मिलेगा, और आगे वाले को देखेगा दुनिया में तो कभी भी सुकून नहीं मिलेगा, और कलिमात शुक्र उसकी जबान से कभी अदा ही नहीं होंगे। बहुत से लोगों को आप देखिए हर वक्त शिकायत करते हैं कि कारोबार नहीं चल रहा है, फलानी वाला कितना है भाई, अरे 1 लाख मिलते हैं नफा हो जाता है, लेकिन उम्मीद तो मैं 1.5-2 लाख की थी। अरे अल्लाह के बंदे 1 लाख मिल गए तुम्हें, अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करो उस पर। इसी नाशुक्री की वजह से अल्लाह की तरफ से बाज़ मरतबा और बेबरकती पैदा हो, और शुक्र के जज्बात हों तो फिर अल्लाह ताला ऐसी बरकत देते हैं। एक तो आप किसी सफर में मिले, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उनकी तनख्वाह 70-80 हज़ार उस वक्त 8-10 साल पुरानी 70-80 हज़ार तनख्वाह थी। एक मौली साहब भी थे, उनके दोस्त थे, उनकी तनख्वाह 7 हज़ार, कहने लगे हमसे आकर आप दुआ कर दीजिए, हमारे हमारी दौलत में बरकत नहीं है। हमने कहा कि आप अल्लाह से लो लगाइए, बरकत पैदा होगी। कहिए मौली साहब हैं 7 हज़ार इनकी तनख्वाह, मेरी 17 हज़ार तनख्वाह है। और अजीब किस्सा होता है कि आखिर महीने में मैं इनसे कर्ज लेता हूँ, और ये कहते हैं मेरे 7 हज़ार तो बहुत है, मेरा काम भाई आसानी चल जाता है, और मेरा 70 हज़ार नहीं चलता। आखिर में आगे वो कहते हैं जेब में याद 100-200 हो तो दे दो, और ये दे भी देते हैं कि हाँ बहुत है मेरे पास। तो ये क्या किस्सा है, इनके 7 हज़ार मेरे 70 हज़ार। हमने कहा इसका ताल्लुक दिल से, इसका ताल्लुक आदमी के दिल से और आदमी के मिजाज से। एक आदमी के जेब में 1 पैसा नहीं होता और वो बादशाह होता है, और एक आदमी की जेब में लाखों रुपए होते हैं वो गरीब होता है। तो ये गुर्बत और इमारत तो अल्लाह की तरफ से होती, अल्लाह जिसको चाहे दिल की तवंगरी दे दे। अलगिना गिना नफ्स कहा गया आदमी, कि असल गिना क्या है, मालदारी क्या चीज़ है, मालदारी तो दिल की है, कुछ ना होकर आदमी मालदार है और सब कुछ होकर आदमी गरीब है। वो हल में मजीद के नारे लगा रहा है और चाहिए और चाहिए, वो गरीब नहीं फकीर नहीं तो और क्या है, हाथ फैला है हर वक्त खड़ा हुआ है और चाहिए और चाहिए। और जो बेचारा 2 रुपए पाकर मस्त है और वो सोच रहा है अल्लाह सब कुछ तो मिल गया और क्या चाहिए, वो अमीर है या वो अमीर है, कौन अमीर है? अमीर वो है जिसका दिल अमीर है, और गरीब वो है जिसका दिल गरीब। तो शुक्र के जज्बात जब ही पैदा होंगे, जब आदमी दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत के साथ साथ ये पैदा करे कि अल्लाह ने क्या कुछ हमें दे दिया, क्या कुछ नहीं दिया, सब कुछ दे दिया, उस पर बार बार आदमी अल्लाह का शुक्र अदा करे तो आगे बढ़ता चला जाता है। हदीस में फरमाया कि अल्लाह इससे भी राजी होता है कि बंदा एक लुकमा खाए और उस पर अल्लाह की तारीफ करे, और एक घूट पानी पिए उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे। इसीलिए सिखाया गया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसक़ाना, भाई आदमी ने जब खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, जब पानी पिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह कैसा करीम है कि छोटा सा काम हमारे फायदे का, हमने खाया हमने पिया अपनी जरूरत पूरी की, और उस पर अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह कह दो हम इस पर राजी हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कहा अल्लाह इस अमल पे भी राजी हो रहा है, हम खाना खा रहे हैं अल्लाह राजी हो रहा है, हम पानी पी रहे हैं अल्लाह राजी हो रहा है, हम लिबास पहन रहे हैं अल्लाह राजी हो रहा है, लेकिन हम तो अल्लाह को राजी करना ही नहीं चाहते। यानी हम तो दुनिया की तरफ देखते हैं लेकिन आखिरत की तरफ ध्यान नहीं होता कि अल्लाह की रजा ने, अल्लाह की रजा के कैसे अल्लाह ने रास्ते खोले हैं, और कैसी छोटी छोटी चीजों को अल्लाह ने
अपनी रिजा का जरिया बनाया। ध्यान की जरूरत, थोड़ी सी तवज्जो के साथ अगर अपनी जिंदगी हम गुजारें तो अल्लाह तबारक तआला की रिजा का सामान किस कदर हमको मिल सकता है। लेकिन जरा इस पर जरूरत है तवज्जो करने की और थोड़ी सी मेहनत करने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो हाल ये था, हदीस यहाँ नकल की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर नमाजें पढ़ते कि आपके कदम मुबारक वर्म कर जाते थे। कि पूछा गया कि अल्लाह के रसूल आप इतनी मशक्क़त क्यों उठाते हैं जबकि अल्लाह ने तो आपके सारे सारी खताएं माफ कर रखी हैं, तो आपने क्या फरमाया, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा ना बनूँ, क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा ना बनूँ, उसने सब कुछ मुझे दे दिया, नवाज दिया, तो मैं अपनी जान अल्लाह के लिए खपा दूँ। ये जज्बा कि अल्लाह ने कैसी नेमतें हमें दी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, लेकिन हम आप ही की तो उम्मती हैं और हमें ये हुक्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका अपनी ज़िंदगी में अख्तियार करें। तो ये सारे नमूने आदमी जो कर सके करता रहे, आगे बढ़ता रहे। और ये भी हदीस में तरीका बताया गया कि जिसको कोई चीज़ मिली, अब अगर बदला दे सकता है तो बदला दे। यहाँ हदीस में साफ साफ कहा गया कि अगर किसी को कोई हदिया मिला, कोई चीज़ मिली, और अगर उसके पास कोई बदल है तो उसका बदला दे, वो भी हदिया दे, और अगर नहीं है तो तारीफ़ करे। अगर उसने तारीफ़ की तो गोया कि उसने शुक्र अदा किया, और जिसने छुपाया उसने नाशुक्री की। इसे साफ मालूम होता है कि एहसान करने वालों का तस्करा भी होना चाहिए। अगर किसी ने एहसान किया है तो आदमी मजलिस में तस्करा करे, फुना बहुत माशाल्लाह सलूक करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। ये चीज़ ऐसी है कि इसे मोहब्बत पकती, आदमी सोचता है कि माशाल्लाह वो तो बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं कुछ भी नहीं करता, थोड़ा सा मैं कभी कर देता हूँ, ऐसा तस्करा करते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो समाज को बेहतर बनाती है, इससे दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा होती है। और ये भी तरीका बताया गया कि अगर किसी के साथ भलाई की गई है और उसने भलाई करने वाले से ये कहा जज़ाकअल्लाहु खैरा, फरमाया फ़क़त अबलगा फिस सना, ये भी सना की और तारीफ करने की भी एक किस्म है। यानी अगर सबके सामने नहीं भी उसने तारीफ की और ये कहा जज़ाकअल्लाहु खैरा, आपने सलूक किया, अल्लाह आपको जजा दे, अल्लाह आपको बदला दे, तो ये कलमा कह देना, ये खुद अपनी जगह पर बड़ी बड़ी बात है कि गोया कि उसने शुक्र अदा किया, शुक्रिया अदा किया, और ये भी एक गोया के हक था जो हक उसने किसी दर्जे में अदा कर लिया। और फरमाया कि मल्ला यशकुरुल्लाह मल्ला यशकुरुन्नास, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। यानी ये मिजाज नहीं है उसका तो भी क्या करेगा। इसलिए मालूम ये हुआ कि अल्लाह के बंदों के साथ भी सलूक करना, और अगर कोई सलूक कर रहा है तो उस पर उसका शुक्रिया अदा करना, ये समाज का एक ऐसा मरबूत निज़ाम है और मुबारक निज़ाम है कि इसके नतीजे में फिर खैर पैदा होता है, मोहब्बतें पैदा होती हैं और समाज बेहतर बनता है। तो ये पूरा शरीयत का निज़ाम ही हकीकत में ऐसा है, जो सिफात हमें बताई गई हैं इन सिफात को अगर हम इख्तियार करें तो वाकया ये है कि अल्लाह की रजा का भी जरिया है और इसके नतीजे में दुनिया जन्नत बन जाती है। ये मुबारक सिफात, इनको इख्तियार करने से अखलाक की बुलंदी और ये सब्र और शुक्र और ये ऊपर से जो बात चली आ रही तकवे की ज़िंदगी और रमज़ान का महीना जो आया तकवा देने के लिए आया, हकीकत में ये वो सिफात हैं कि अगर आदमी ज़िंदगी के अंदर इनको अख्तियार कर ले तो ये दुनिया हकीकत में हमारे लिए जन्नत बन सकती है। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम अपने मामूली फ़ायदे के लिए बड़ा फ़ायदा खोते हैं। यानी हकीकत तो ये है कि दुनिया के थोड़ी सी लज्जत के लिए दुनिया की बड़ी लज्जत खोते हैं। वाकया ही है कि थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं दुनिया का, थोड़ा मज़ा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि अगर वो ज़िंदगी हम इख्तियार करते तो उसमें कितना मज़ा था। इस पर अल्लाह का आदमी शुक्र भी करे और ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करे। अल्लाह ने मुबारक महीना अता फरमाया, अल्लाह ताला इसके समरात और बरकात को भी कायम रखे, और जो कुछ हमने सीखा और इस रमज़ान से हमने जो कुछ लिया ये हकीकत में तकवे की ज़िंदगी देने के लिए आया, इसका थोड़ा सा ध्यान भी रखा जाए। कैफियत का इख्तियार करना तो आसान होता है लेकिन कैफियत को बाकी रखना बाद में मुश्किल होता है। उसका तरीका ये होता है कि आदमी उसका ध्यान रखे, कुछ जिक्र का अहतमाम करे और ऐसी गलत जगहों से बचे, गलत खानों से बचे, इसके नतीजे में महरूमी लिख जाती। बाद में ऐसी मजलिसों में जाके बैठ जाता है जहाँ गलत बात हो रही है, जहाँ पर गीबतें हो रही हैं, और जहाँ पर न जबान को काबू में रखा जा रहा है और न आँखों को काबू में रखा जा रहा है, और गलत बातें, फहश बातें, तो जाहिर है कि जो भी कैफियत है वहाँ जाकर वो ख़त्म हो जाती। इसी तरह खानों में, होटलों में आदमी खाना खाता है और ये नहीं देखता कि हलाल है हराम है। गोश्त का तो बिल्कुल एहतियात ही उसकी रखनी चाहिए, चाहे मुसलमान की दुकान हो या किसी की, इल्ला कि हमारे दोस्त की दुकान हो जिसके बारे में पता हो हमें,
ये ज़बीहे का अहतमाम करते हैं। वरना हाल ये है कि क्या क्या तमाशा दुनिया में हो रहा है। अभी एक खबर दिल्ली की आई कि वहाँ जितने मुर्ग मर जाते हैं बाकायदा वो 20-25 रुपए किलो बिकते हैं, और होटल वाले खरीदते हैं और उसका खाना तैयार होता है। आदमी होटल में जाता है और खाता है, मुसलमान ये काम कर रहा है। इसलिए ये चीज़ें ऐसी हैं कि इससे हमें बड़ा नुकसान होता है। बहुत एहतियात की ज़िंदगी, और तकवा इसी का नाम है कि आदमी कोशिश करे कि कोई गलत काम ना हो, अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई काम ना हो। इसमें थोड़ी सी इसमें कोशिश की ज़रूरत होती है और एहतियात की ज़रूरत होती है, उससे अल्लाह की मदद होती है। तो उसमें जो कुछ हमें मिला है इंशाअल्लाह वो बाकी भी रहेगा और अल्लाह की मदद भी होगी। अल्लाह तबारक ताला कबूल फरमाए और बरकत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, अल्लाहुम्मा ला नुसी सनान अलैक अंत कमा अथनैत अला नफसिक, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, وتب علينا انك انت التواب الرحيم، رب وفقنا لما تحب وترضى، واجعل اخرتنا خيرا من الاولى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اے اللہ اپنے فضل سے اس مہینے کو قبول فرما، اس کی نمازوں کو قبول فرما، اس کے روزوں کو قبول فرما، اس کی نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ جو کچھ ہوا تیری توفیق سے ہوا، اے اللہ ہمارے نفس کو نہ دیکھ، اپنے کرم سے قبول فرما، اے اللہ ہر طرح کا خیر عطا فرما، ہر طرح کے شر سے بچا، یا اللہ ہم یہاں سے جائیں تو خیر و عافیت و برکتوں کے ساتھ جائیں، یا اللہ ہماری زندگی میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ کم از کم پورے سال اس کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ، اور یا اللہ ساری زندگی اس کا فائدہ ہمیں پہنچا، یا اللہ ہمیں مکمل اسلامی زندگی نصیب فرما، صفات حمیدہ ہمارے اندر پیدا فرما، بری باتوں سے یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما، بری عادتوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل سے جو خیر تو نے ہمیں عطا فرمایا وہ خیر قائم رہے اور زندگی پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے رہیں۔ یا اللہ جو باتیں کہی گئیں ان کو قبول فرما، اور کوئی غلطی ہو تو یا اللہ معاف فرما، ہر غلط بات سے بچا، ہر غلط کام سے بچا، ہر غلط اقدام سے بچا، اپنی رضا کے لیے ہمیں قبول فرما، اور ہمارے کاموں میں یا اللہ تو حسن نیت پیدا فرما، حسن نیت کے ساتھ حسن عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و علی آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔